हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ऐसे तीन तरीके देखेंगे जिसमें हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं फोटोशॉप में किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है, उसके बाद लेयर्स पे आना है और अपनी पिक्चर को अनलॉक कर लेना है। जस्ट उस पर आप क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ना शो हो रही हो तो आप जाएंगे विंडोज़ प्रॉपर्टीज़ तो आपको शो हो जाएंगी। फिर आपने जाना है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे आप रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आपकी पिक्चर से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको लेयर अनलॉक कर लेनी है। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं इस इमेज में मुझे स्काई रिमूव करना है। अगर आपको किसी भी इमेज का स्काई या कोई भी प्लेन बैकग्राउंड जैसे कि ब्लैक वाइट वो रिमूव करना है तो आप सिंपल टूल बार से मैजिक वैन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को शिफ्ट छोड़ना नहीं है और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे जब तक हमारी सिलेक्शन पूरी नहीं हो जाती। जैसे हमारी सिलेक्शन पूरी हो जाएगी हमें यहाँ पे ऐड लेयर मास्क पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं कि इसने स्काई के बजाय घर को रिमूव कर दिया है तो हमें सिंपल इसको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल कंट्रोल आई कर देंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा और हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी लेयर अनलॉक करनी है जस्ट उस पर क्लिक करके। उसके बाद टूल बार से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है और मोड को रेक्टेंगल से हटा के लेसो रखना है और अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक मास्क क्रिएट करना है। जैसे ही आपका मास्क क्रिएट हो जाए आपको ऐड अ लेयर मास्क पे क्लिक करना है और इसी तरह आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।